हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज कंचन, मतलब आज मैं कंचन आपके लिए लेकर आई हूँ ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो। ये एक अपारा आईडी का फॉर्म स्कूल्स में बांटा जा रहा है इस तरीके से, तो इसको फिल कैसे करना है। बहुत इजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा तो आप कोई अनपढ़ की कैटेगरी में आ गए। नहीं, हो जाती है, नहीं समझ में आता। तो इसको फिल कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी, और आप पूरा वीडियो ढंग से देख लेना, और जो भी आपको और क्वेश्चन पूछने होंगे तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। और हाँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप एप्रिसिएशन के दो वर्ड लिख सकते हो ना, या थैंक यू तो लिख ही सकते हो ना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, बेल आइकन तो प्रेस कर ही सकते हो ना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना क्योंकि इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। चलिए चलते हैं वीडियो में। गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स, एज यू कैन सी द स्कूल इज़ प्रोवाइडिंग दिस फॉर्म फॉर द पेरेंट्स टू फिल इट एंड सबमिट इट टू द स्कूल टू क्रिएट एन अपार आई डी फॉर योर चाइल्ड। So now I am telling you how to fill the form. First of all, you will fill the name of the school here and name of the father here as shown in the Aadhaar card, and then you have to name the child here, and in this column here where I am putting my fingers, you have to fill the number of the proof, identity proof that you are providing with the form. That is, if you are providing Aadhaar card, you have to fill the number. If you are providing PAN card, please fill the number. Whatever identity proof you are providing, you have to fill its number here. And then moving down, you have to just fill the date of the form and where is the place. The place is New Delhi, and signature on the this corner. I hope you have understood how to fill the form. And one more thing, please correct the option of the identity proof that you are providing. Here this parent has provided Aadhaar, so he has ticked that part of Aadhaar. Whatever identity proof you are providing, you have to tick it. Okay, thank you. डियर पेरेंट्स, ये फॉर्म एक आपको स्कूल की तरफ से दिया जा रहा है ताकि आपको ये फिल करके स्कूल में ही वापस जमा कराना है आप आर आई डी हमें बनाने के लिए। तो आपको ये कैसे भरना है ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्कूल नेम भरना है, हमारे स्कूल का नाम, दैट इज़ गौतम मॉडल पब्लिक स्कूल। उसके बाद इस वाले कॉलम में आपको बच्चे के पिता का नाम भरना है, पिता का नाम, ठीक है, जो कि आधार कार्ड में जिस तरीके से मेंशन होगा उस तरीके से। और यहाँ पे बच्चे का नाम आपको फिल करना है, और यहाँ पे जहाँ कॉलम पे मैंने उंगली रखी हुई है, यहाँ पे आपको आपको आइडेंटिटी प्रूफ का नंबर भरना है, जो भी आइडेंटिटी प्रूफ आप दे रहे हैं। अगर आप आधार दे रहे हैं तो आधार का नंबर, अगर आप पैन दे रहे हैं तो पैन का नंबर, और उसको आपने टिक कर देना है कि आपने क्या लगाया है। नीचे आके आपको सिर्फ डेट भरनी है, जगह भरनी है, जगह हमारी न्यू दिल्ली है, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, और इसके साथ ये फोटोकॉपी ज़रूर लगा देना जो भी आप दे रहे हो। अगर आप आधार लगा रहे हो तो आधार की फ़ोटोकॉपी नीचे देखिए इस तरीके से, अदरवाइज़ ये देखिए ऐसे लगी हुई है फ़ोटोकॉपी, अदरवाइज़ आपने जो भी आप प्रूफ दे रहे हो उसकी फ़ोटोकॉपी आपने लगा के स्टेपल करके स्कूल में डिपॉजिट जमा कर देनी है।